Hi guys, welcome to the Unacademy. My name is Nikhil and I have been teaching IELTS since 2018. Majority of my students have achieved 8+ band in speaking module as well as 7+ band in writing module. And there are some students who jumped from 6 band to 8 band by implementing my tips and tricks within a 1 month. So, aaj ki video hai type of task 1. इसमें क्या है, मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ के टास्क 1 बताऊंगा कि कैसे कैसे टाइप के टास्क 1 आ सकते हैं और क्या क्या उसकी लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लिख के और जिसको अप्लाई करके यू कैन ईजिली गेट 7 और मोर बैंड इन योर राइटिंग. सो स्पेशली ये एकेडमिक कैंडिडेट्स के लिए है वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, मैं आपको पहले बताता हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क क्या क्या होते हैं और कौन कौन से टास्क 1 की आने की पॉसिबिलिटीज़ है और कौन कौन से आजकल ट्रेंडिंग में हैं. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मैप. मैप में क्या होता है कि आपको एक किसी पर्टिकुलरली लोकेशन का मैप दिया होता है कि लाइक किसी एक विलेज का या फिर किसी एक सिटी का. उसमें दो मैप्स होते हैं. उसमें क्या होता है कि फर्स्ट में आपको एक मैप दिया होता है जो पास्ट का होता है, सेकंड मैप होता है प्रेजेंट का होता है या फिर फ्यूचर का होता है कि फ्यूचर में ये चीज़ हो जाएगी. सो आपको क्या करना होता है, दोनों मैप्स में डिफरेंसेस बताने होते हैं कि पहले इस मैप में क्या था कि 1990s में ये वाला मैप लाइक ये वाली पर्टिकुलरली लोकेशन पे लाइक फॉर एग्जांपल कि वहाँ पे ग्रीनरी नहीं थी और अब ग्रीनरी आ गई, इंडस्ट्रीज आ गई, अकोमोडेशन हो गई, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ की थिंग्स दी होती हैं जो पहले में नहीं मैंशन होती, दूसरे में होती हैं. तो उसको हमने एक्सप्लेन करना होता है लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ के कंपेरिजन बना के और स्ट्रक्चर्स यूज़ करके. सेकेंड वन इज़ टेबल चार्ट. टेबल चार्ट में गाइस क्या होता है कि टेबल चार्ट में आपको एक टेबल दिया होता है, एक इन्फॉर्मेशन दी होती है, पर्टिकुलरली डाटा दिया होता है. डाटा लाइक जैसे आप समझ लो कि एक स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस का डाटा है, तो लाइक लास्ट ईयर कितनी अटेंडेंस थी और इस ईयर कितनी है ऐसा, या फिर कुछ बॉयज़ की और उसको कैटेगरीज में मेंशन किया होता है गर्ल्स की एंड एज वेल एज टीचर्स. ओके, सो डिफरेंट काइंड ऑफ के टेबल, ये कुछ भी डाटा हो सकता है. तो टेबल चार्ट में यही इन्फॉर्मेशन दी होती है. थर्ड वन इज़ प्रोसेस. प्रोसेस में क्या होता है गाइस कि प्रोसेस में एक आपको कोई भी चीज़ का प्रोसेस दे रखा है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है लाइक उसकी स्टेजेस होंगी डिफरेंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है प्रोसेस एंड फ्लो चार्ट में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. लाइक ये काइंड ऑफ तो होते हैं बट क्या होता है कि प्रोसेस चार्ट है जो, वो प्रोसेस चार्ट में एक भी अगर स्टेप लाइक उसका एक ओवरऑल है, द मिसिंग ऑफ वन स्टेप कैन हॉल्ट द ओवरऑल प्रोसेस. ठीक है, एक भी अगर आप स्टेप को मिस करते हो तो वो ओवरऑल प्रोसेस को हॉल्ट करता है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं. लाइक कॉफ़ी बीन्स का है प्रोसेस, तो आपको बताया कि पहले फार्मर्स उसको उगाते हैं, फिर सेकंड में उसको लाइक खेत में से लाया जाता है, एंड थर्डली उसकी स्टेजेस हैं, उसको रोस्टेड किया जाता है, फिर ग्राइंडर किया जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ की थिंग्स. ओके, तो प्रोसेस होता है वो. फ्लो चार्ट में क्या होता है कि आपको किसी भी वर्क करने का एक फ़्लो दिया होता है कि उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं. स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 आएगा, स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 आएगा. वैसे फ्लो चार्ट आने के चांसेस बहुत ही रेयर रहते हैं. नेक्स्ट वन इज़ पाई चार्ट. पाई चार्ट में क्या है, आपको एक पाई की फॉर्म में डिफरेंट डाटा दिया होएगा, सेम इन द केस ऑफ टेबल. ओके, बट वो पाई की फॉर्म में होएगा, वो डिफरेंट काइंड से हो सकते हैं. लाइक 2 पाई चार्ट दे दिए, 3 दे दिए, जिसमें मेल की अलग कैटेगरी होगी, चिल्ड्रंस की अलग हो गई एंड फीमेल्स की अलग होगी. सो डिफरेंट काइंड ऑफ की कैटेगरीज में पाई चार्ट भी डिस्प्लेन लाइक हमें एक्सप्लेन करने पड़ते हैं. उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2. कॉम्बिनेशन ऑफ 2 में क्या होता है गाइस, उसमें ना लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ के होते हैं. एक आपका जैसे टेबल दे दिया, साथ में कॉम्बिनेशन पाई दे दिया, लाइन ग्राफ दे दिया, या फिर साथ में टेबल दे दिया. तो ऐसे डिफरेंट काइंड के 2 का कॉम्बिनेशन बना के कॉम्बिनेशन ऑफ 2. नेक्स्ट होता है लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल में क्या है, लाइफ साइकिल से नेम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ का लाइफ साइकिल है. उसमें क्या है लाइक आपको एक कुछ भी इंसेक्ट दिया हुआ है, लाइक कोई कीड़ा दिया हुआ है, उसका लाइफ साइकिल बताया कि कैसे वो पैदा होता है, कैसे उसकी स्विंग्स निकलती हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप हैंड्स एंड उसकी ओवरऑल ग्रोथ कैसे होती है स्टेप बाय स्टेप. इसमें लाइक इस तरह का सारा A to Z बताया होता है कि उसका क्या लाइफ साइकिल है. नेक्स्ट है डायग्राम. डायग्राम भी काइंड ऑफ लाइक एक डायग्राम दे रखी होती है, लाइक कुछ भी साइंटिफिक हो सकता है या कुछ भी डायग्राम, उसको हमने एक्सप्लेन करना होता है. उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ के स्ट्रक्चर्स यूज़ करो और डिफरेंट काइंड ऑफ के कि इसमें क्या है, कैसे कनेक्टर्स यूज़ किए, कंपैरिजन बना लो डिफरेंट. ये अकॉर्डिंग टू द आपका टास्क वेरी करेगा. उसके बाद आ जाते हैं बार चार्ट. बार चार्ट में गाइस बार की फॉर्म में डाटा दिया होता है कि लाइक अटेंडेंस है स्टूडेंट्स की,
कितने परसेंट मेल की अटेंडेंस है, सॉरी बॉयज़ की अटेंडेंस है, कितने परसेंट लाइक गर्ल्स की अटेंडेंस है, और टीचर्स क्या क्या करवा रहे हैं, वट एवर इट इज़। ओके, लाइन की फॉर्म में क्या होता है कि लाइन में क्या होता है, लाइन में डाटा दिया होता है, लाइन ग्राफ में उसमें आपके लाइंस में मेंशन किया होता है कि इतने परसेंटेज ये वाली चीज़ है, इतना डिक्लाइन हुआ, इतना इंक्रीज हुआ, डिफरेंट डिफरेंट। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट मीन्स टू से लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें है पॉली लाइन। पॉली लाइंस में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की लाइंस दी होती है, एक जैसे ब्लैंक वाली डैश डैश वाली लाइन है, एक कुछ लाइक जिगजैग टाइप लाइन है, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड की लाइंस दी होती है, काइंड ऑफ लाइन ग्राफ ही होता है ये वाला। ओके गाइज, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ टास्क वन की कौन कौन से टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट टू गाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज़ रियली इसेंशियल, प्ले पार्ट एंड पार्सल रोल इन द मॉड्यूल ऑफ राइटिंग टास्क वन, बिकॉज क्या है इसमें है कनेक्टर्स। लाइक गाइज, अगर जब तक आपकी कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी कनेक्टर्स के साथ, लाइक आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ के स्ट्रक्चर्स तो यूज़ कर रहे हो, बट क्या है कि आप उसको बिल्कुल फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हो, अगर दीज काइंड ऑफ दी थिंग्स करोगे तो आपकी कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी। कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल रोल प्ले करती है, तो हमने कनेक्टिविटी कैसे बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। हाउ एवर लगा दो, हाउ एवर मीन्स टू से बट, कि लाइक पहले इतनी थी, हाउ एवर इन द ईयर 19 या फॉलोड बाय द ईयर 19 जो भी है उसमें इतनी हो गई। बाय कंट्रास्ट कर दो, किसी चीज़ के साथ कंट्रास्ट बना दो, इन कंट्रास्ट कर दो, काइंड ऑफ है कि कंट्रास्ट बना दिया आपने उसका। इंटरेस्टिंगली लाइक अगर कोई पीक पे जा रही है चीज़ या बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है, जो आपको लाइक सिग्निफिकेंट चीज़ लग रही है ना सबसे डिफरेंट, उसको आप इंटरेस्टिंगली करके कर सकते हो। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि फ्रॉम द ईयर 1998 टू 2000, कि इतने ईयर में ये वाला ट्रेंड फॉलो हुआ। ओके, बिटवीन द ईयर 2000 एंड 2010 में क्या क्या हुआ। ओके, विद रिगार्ड्स टू कॉफ़ी बीन्स जैसे प्रोसेस आ गया, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की कनेक्टर्स हैं, आप इसको यूज़ करो। लाइक विद रिगार्ड्स टू मेल, मेल की रिगार्डिंग क्या उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसको ईच एंड एवरीथिंग आप एक्सप्लेन करो। लास्टली और इवेंचुअली, जब भी लाइक प्रोसेस चार्ट में हमने स्टेजेस लिखनी होती है तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहते हो, नेक्स्ट नेक्स्ट की बजाय लास्ट को हम लिख सकते हैं लास्टली बट लास्टली या फिर इवेंचुअली। जैसे आपने स्टार्टिंग में लिख लिया कि लाइक टू बिगिन विद या फिर विद रिगार्ड्स टू, ओके बीच में आपने लिख लिया टू, फोर्थ स्टेप इज दैट एंड नेक्स्ट सब्सिक्वेंटली स्टेज इज दैट, सो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की करो। ओके, बिफोर दिस दैट, बिफोर आफ्टर दिस दैट, उसके बाद वेयर एज, कंपैरिजन बनाना है तो आप वेयर एज यूज़ कर सकते हो। ओके, कि लाइक इसका इतना था वेयर एज इसका इतनी परसेंटेज थी। नियरली कर सकते हो, इट वाज नियरली अ क्वार्टर, लाइक 25% के नियर है तो नियरली दैट क्वार्टर, नियर टू द क्वार्टर। अगर उसका लाइक 23% दे रखा है तो इट वाज ऑलमोस्ट क्वार्टर, ऑलमोस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। अराउंड भी कर सकते हो, ये भी काइंड ऑफ है। अबाउट का यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ के कनेक्टर्स हैं, ये आप चाहे राइट डाउन कर लो, बिकॉज अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तभी फ़ायदा है, तभी आपके अप्रोप्रिएट जो आपका डिज़ायर्ड बैंड स्कोर है वो आपको मिल पाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट है हाउ टू राइट परसेंटेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही कन्फ्यूज हो जाते हैं कि परसेंटेज को कैसे लिखें। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट मैनर बताता हूँ जो आप अप्लाई करके आप परसेंटेज को डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की स्ट्रक्चर से यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका बैंड स्कोर बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होएगा और एग्जामिनर को पता चलेगा कि लाइक यू हैव एबिलिटी टू राइट डिफरेंट काइंड ऑफ दी स्ट्रक्चर्स। गाइज, अगर 90% आ जाता है तो यू कैन यूज़ अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन, लाइक काफ़ी हद तक ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन यूज़ हुआ उस चीज़ में, या फिर अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ द मेल्स या कुछ भी है, वट एवर इट इज़। अगर आ जाता है 80% को हम लिख सकते हैं 4/5, ठीक है, 4/5 ऑफ द पीपल, इंस्टेड ऑफ यूजिंग 80% यू कैन यूज़ 4/5। 75% को हम क्या कर सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं, विच इज़ रियली एसेंशियल। ओके, 73 को हम क्या कर सकते हैं, नियर 3/4, क्योंकि वो नियर है ना 3/4 के, सो नियर 3/4। 77% को, ये देखो 3/4 से ओवर है तो बोल दो वेल ओवर द 3/4। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ की वेराइटीज़ लाओ अपने स्ट्रक्चर्स में। 65 को हम 2/3 बोल सकते हैं, कि 2/3 ऑफ द चिल्ड्रन लाइक टू ये वो, जो भी उसके टास्क की डिमांड होएगी।
लाइक सेम वाइज इसमें हम 60% को 3/5 भी बोल सकते हैं, 55% को मोर देन हाफ, क्योंकि ये देखो 50 को हम हाफ बोलते हैं ना, या फिर 50 को हम एग्जैक्टली हाफ बोलते हैं, तो 55 को ऑब्वियसली हम मोर देन हाफ बोलेंगे क्योंकि वो उससे मोर है। सेम इन द केस ऑफ 45%, ओके, इसमें आप क्या कर सकते हो, लेस देन हाफ, सॉरी इसमें मेरे से गलती से बाय मिस्टेक मोर लिखा गया, आप इसको लेस कर लेना, लेस देन हाफ कि हाफ से लेस है, ओके। उसके बाद 40% है तो उसको हम 2/5 भी बोल सकते हैं, 35% को हम मोर देन 2/3, ठीक है, कि मोर देन 2/3 प्रोपोर्शन ऑफ द जो भी है उसकी आपकी टास्क की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद है अ क्वार्टर, 25% को हम क्वार्टर भी बोल सकते हैं, अ क्वार्टर भी बोल सकते हैं। सेम इन द केस ऑफ 20% हम इसको अ फिफ्थ बोल सकते हैं, अ फिफ्थ, ओके। 15% को लेस देन फिफ्थ एंड 10% को 1/10। सो गाइज ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ के स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए हैं, जिससे क्या है हमें पता चल सकता है कि हाउ टू राइट परसेंटेज इन डिफरेंट मैनर, अप्रोप्रिएट मैनर। क्योंकि क्या है कि अगर हम जब रेपिटिशन करते हैं लाइक सेम सेम काइंड ऑफ की थिंग्स करते हैं तो वो बोरिंग लगता है ना थोड़ा सा। तो अगर आपके ऐसे में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की स्ट्रक्चर स्ट्रेटजीज होंगी तो एग्जामिनर ऑब्वियसली आपकी उस स्ट्रेटजी से इम्प्रेस होने वाला है। सो हमने क्या करना है, अगर आपको लाइक 7+ बैंड्स को अचीव करना है सो यू कैन यूज़ दीज काइंड ऑफ द थिंग्स एंड यू विल डेफिनेटली आई एम गारंटी टू दैट कि आप अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर ले जाओगे। एंड गाइस ये है मेरा सब्सक्रिप्शन कोड, अनअकैडमी ने बहुत ही अच्छी एक ऑफर चलाई है, अगर आप मेरा लाइक अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड ऐड करो NIKHILCHUCHRA एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंटली डिस्काउंट। लाइक अगर आप 1 month की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको उस पर 10% मिलेगा, 3 month की लेते हो तो उस पर मिलेगा, लाइक 6 की और 12 की, इसके डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज हैं। जैसे ही आप मेरा ये वाला कोड NIKHILCHUCHRA अप्लाई करोगे, साथ के साथ आपको अनअकैडमी इंस्टेंट 10% आपकी पेमेंट पे डिस्काउंट करेगी। सो गाइस मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, यू शुड नेवर मिस द बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव दैट पर्टिकुलर बेनिफिट, बिकॉज दिस बेनिफिट रियली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा और वैसे भी क्वारंटाइन में हम फ्री बैठे हैं घर पे, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। सो आप ये वाला कोड यूज़ करो एंड 10% का बेनिफिट उठाओ, ओके। सो गाइस दैट इज़ माई टेलीग्राम चैनल एंड द नेम ऑफ माई चैनल इज़ आयल्स विद निखिल, IELTSNIKHIL, ओके, आयल्स विद निखिल, सॉरी IELTSWITHNIKHIL। गाइस मैंने इसका लिंक भी दे रखा है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एज वेल फ्रॉम द लिंक, सो इट्स ऑल अप टू यू, आप सीधा सर्च करके भी कर सकते हो और दूसरी साइड भी कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिलेटेड टू टास्क 1 और टास्क 2, आइदर यू आर अ जनरल कैंडिडेट और अकेडमिक कैंडिडेट, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक, आई विल डेफिनेटली लाइक रिमूव यूर ईच एंड एवरी क्वेरी एंड गिव यू 100% ऑफ माई रिजल्ट्स एंड मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, अगर आपको किसी भी चीज़ की PDF वोकैब व्हाटएवर यू वांट टू लाइक चाहिए देन कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट पर्टिकुलरली लिंक। सो गाइज नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ टास्क 1। आपको लाइक टास्क 1 का अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सम स्टूडेंट्स को क्या है कि उनको लिखना तो आता है बट उनको अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर नहीं पता। एज वी नो कि जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो उसका एक अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर होता है, उसको करने का एक वे होता है, उस पर्टिकुलरली वे से हमने उस चीज़ को टैकल करना होता है। सेम इन द केस ऑफ आइल्स राइटिंग टास्क 1, इसका भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको अप्लाई करने से ही आपका बैंड स्कोर इफेक्टिव होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्शन होती है, हमने पहले इंट्रो बनानी होती है। उसमें क्या करना होता है, हमने जो क्वेश्चन दिया होता है उसको सेम एज इट इज़ नहीं लिखना, उसको रीफ्रेस करो, अगर एक्टिव फॉर्म में दिए तो पैसिव में कर दो, पैसिव दिए तो एक्टिव फॉर्म में कर दो। एंड गाइस द लिमिट ऑफ दैट इज़ 25-30 words, इसमें आपने बताना होता है कि क्या काम हो रहा है, कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है, 3 चीज़ें। एंड यहाँ इसमें हमने किसी तरह की कोई भी परसेंटेज नहीं लिखनी और लास्ट आप बस ये बता सकते हो कि डाटा इज़ कैलिब्रेटेड इन परसेंटेज, ओके। स्टार्टिंग आप कर दो कि द रेंडर्ड लाइक पाई चार्ट इन्यूमिरेट्स, ये वाला चार्ट या ये शो कर रहा है। उसके बाद आ जाता है ओवरऑल। गाइस ओवरऑल में क्या होता है, बेसिकली हमें ट्रेंड देखना होता है, 3W, व्हाट वेयर एंड व्हेन, ओके, कब कहाँ और कैसे क्या हो रहा है, हमने उसको बताना होता है कि कौन सा ट्रेंड इंक्रीज़ है कौन सा डिक्रीज़ है, सारा नहीं मेंशन करना, ओवरऑल में हमने
सिर्फ जो सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं उसको ही ऐड करना है, एंड इसमें कोई भी हमने किसी तरह की लाइक न्यूमेरिकल इक्वेशन नहीं यूज़ कर रही। सेम इसकी रिक्वायरमेंट भी 25-30 वर्ड्स की होती है। देन आ जाता है बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ में क्या होता है, बॉडी पैराग्राफ वन में आपकी 50-60 लिमिट होती है। इसको आपने एक एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना होता है और स्टार्ट ख़त्म करना होता है। इसमें हमने कंपैरिजन बनाने हैं, जितने ज़्यादा आप डिफरेंट काइंड ऑफ के कंपैरिजन बनाओगे, लाइक मैंने आपको कनेक्टर्स बताए हैं पीछे, वो कनेक्टर्स यूज़ करो बाय कंट्रास्ट करके और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ के स्ट्रक्चर्स यूज़ करके। उसके बाद क्या है, आप उसको रिस्पेक्टिवली करके बना दो, अमंग द ऑल करके बना दो, मेजॉरिटी माइनॉरिटी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की थिंग्स आप लगाओ, सो दैट एग्जामिनर को पता चले कि आपकी कितनी पकड़ है उसमें, आपकी कितनी ग्रिप है टास्क वन में, लाइक उसको लिखने में राइटिंग स्किल्स आपके कितने अच्छे हैं। उसके बाद आ जाता है बॉडी पैराग्राफ टू। बॉडी पैराग्राफ टू में क्या होता है, मेनली इसमें हमने एक्सप्लेनेशन देनी होती है विद डिफरेंट काइंड ऑफ की स्ट्रक्चर्स में, उसी को हमने आगे फॉलो करना है। हाफ इन्फॉर्मेशन हमने बीपी वन में लिखनी होती है, हाफ इन्फॉर्मेशन हमने बीपी टू में लिखनी होती है। सेम इसकी लिमिट भी 50-60 वर्ड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो क्रॉस कर गया तो फिर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादा लिखना भी गलत ही हो सकता है, और कम भी नहीं होनी चाहिए। ओके, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ के स्ट्रक्चर्स यूज़ करो, कॉम्प्लेक्सिटी लाओ अपने टास्क में, और ये हमारी फॉर्मल लैंग्वेज है, इसमें कुछ भी इनफॉर्मल वर्ड नहीं यूज़ करने। ओके, टोटल वर्ड लिमिट है जो 150-180 रहती है, इससे हमने लाइक 150 से नीचे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर 150 से नीचे जाएगा तो आपके बैंड स्कोर डिक्रीज होएंगे, और अगर 180 से ऊपर जाएगा डिक्रीज तो नहीं होएंगे, बट क्या है, समटाइम्स ज़्यादा लिखने से उतनी ही मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, सो अवॉइड दीज काइंड ऑफ दी थिंग्स। नेक्स्ट है कि टोटल टाइम लिमिट क्या है, इसको 20 मिनट्स में आप सफिशिएंट है आप करने के लिए, 2-3 मिनट्स आप देखो कि उसमें क्या है, उसके बाद प्लानिंग से उसको करो, 20 मिनट में इसको कंप्लीट कर लो, बिकॉज 40 मिनट हमने टास्क टू को देने हैं। ओके, सो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टास्क वन। ओके गाइस, नेक्स्ट है हाउ टू डिस्क्राइब ट्रेंड। क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल हम बार बार क्या ही यूज, सेम ही चीज़ें यूज़ करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज। तो क्या होता है, एग्जामिनर को भी पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों वाली चीज़ें हैं, है ना, तो हमारा ये ग्लोबली टेस्ट है, तो हमने इसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की कैटेगरीज लानी है और डिफरेंट डिफरेंट अपनी क्वालिटीज़ दिखानी है कि हमें क्या क्या पता है, कैसे कैसे हमारी ग्रिप है राइटिंग में। तो मैं आपको बताता हूँ कि इंक्रीज़ को कैसे लिखना है, डिक्रीज़ को कैसे लिखना है, फ्लक्चुएशंस को कैसे करना है, डिफरेंट काइंड ऑफ की मैंने वर्ब इंडिकेट्स चेंजेस और एडवर्ब दूसरी साइड लिखी हैं, पैरेलली आप देख सकते हो, राइट एंड लेफ्ट में सब कुछ दिया हुआ है। लाइक अगर हम इन्हें इंक्रीज़ लिखना है, कि अगर हमने लिखना है कि वो इंक्रीज़ काफ़ी शार्पली हुआ है, तो आप लिख सकते हो कि इंक्रीज़ सडनली, लाइक ये वाला ट्रेंड इंक्रीज़ सडनली हो गया, या फिर रोज़ ड्रामेटिकली, कि ड्रामेटिकली वो रोज़ हो गया। देखो गाइस, LY वाला जो सेंटेंस है, कई लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ड्रामेटिकली रोज़ लिख देते हैं, वो अप्रोप्रिएट नहीं है, रोज़ ड्रामेटिकली आएगा, एडवर्ब हमेशा बाद में आती है। ओके, उसके बाद हम कर सकते हैं स्वेल्ड अप, स्वेल्ड कर सकते हो, स्वेल्ड सिग्निफिकेंटली, शॉर्ट अप स्टेपली, क्लाइम्ब अप शार्पली, वेंट अप रैपिडली, जंप्ड अप क्विकली, लाइक गाइस ये सारे जो भी मैंने आपको बताए हैं ना, ये सारे हैं इंक्रीज़ के सिनोनियम, इंक्रीज़ को हमने कैसे लिखना है अप्रोप्रिएट वे में, और ये सारे मैंने पास्ट टेंस में बनाए हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हमारा जो टास्क वन होता है वो पास्ट टेंस पे ही बेस्ड होता है, तो आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की थिंग्स यूज़ कर सकते हो, कि ये इतना इंक्रीज़ हुआ, शार्पली हुआ या सडनली हुआ, ड्रामेटिकली हुआ, सिग्निफिकेंटली, आप कोई भी 2-4 अपने फिक्स कर लो, क्योंकि लिखना तो एक या दो बार ही है, तो वो फिक्स कर लो, एंड इन द राइटिंग टास्क वन आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आपने कुछ भी लाइक पूछना है, तो मैंने अपना पीछे चैनल बताया है, उसमें आप क्लिक करके, आयल्स विद निखिल टेलीग्राम चैनल है, आप मेरे को वहाँ पे कुछ भी डिस्क्राइब कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। ओके, ये थे इंक्रीज़ के, कि हाउ टू डिस्क्राइब द ट्रेंड, लाइक इफ़ अगर इंक्रीज़ वाली ऑप्शन आती है तो। एंड नेक्स्ट है डिक्रीज़। अगर सेम इन द कैटेगरी ऑफ डिक्रीज़, लाइक डिक्रीज़ क्या होता है, कि अगर तो उसको स्लोली डिक्रीज़ हो रहा है, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा लाइक आराम से और थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है, तो उसको हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की कैटेगरी से लिख सकते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मैं आपको बताता हूँ, लाइक डिक्रीज्ड में गाइस क्या होता है, कि आप लिख सकते हो कि ड्रॉप्ड कॉन्टिन्यूली, फेल ग्रेजुअली, फेल मीन्स नीचे गिरना, ओके, रिड्यूस सडनली, वेंट डाउन स्लोली, सॉरी ये वेंट डाउन में मैं DOWN लिखना था, थोड़ी सी जल्दी जल्दी में वो N लिखना भूल गया,
सो आप उसको करेक्ट कर लेना गाइज। इसको आप राइट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि देखो देखने से या समझने से कुछ भी नहीं होना अनलेस यू इम्प्लीमेंट दैट काइंड ऑफ द थिंग्स। आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया तो फिर ये जस्ट पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप क्या करो, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो कि कैसे कैसे हमने लिखना है। डिक्रीज की आ जाती है ऑप्शन, ड्रॉप्ड कॉन्टिन्यूली, फेल्ड ग्रेजुअली, रेड्यूस सडनली, वेंट डाउन स्लोली, कि वो स्लोली स्लोली वेंट डाउन हो रहा है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ के स्ट्रक्चर्स यूज़ करो कि कैसे वो वेंट आया। लाइक आप उसमें कनेक्टिविटी लाओ, कनेक्टर्स यूज़ कर दो, रिस्पेक्टिवली लगा के कर दो। सो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की थिंग्स आप यूज़ करो, जिससे क्या है एग्जामिनर को पता चले कि लाइक यू हैव डेप्थ नॉलेज कि कैसे हाउ टू राइट द ट्रेंड्स एंड हाउ टू राइट द एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी कैसे लानी है उसमें, ऑल द थिंग्स लाइक सभी काउंट की जाती हैं कि कैसे कैसे किस किस को करना है। नेक्स्ट आता है गाइज फ्लक्चुएटेड। फ्लक्चुएटेड मीन्स कि क्या होता है कि लाइक कभी अप गया, कभी डाउन, कभी अप डाउन, लाइक उसमें ना जिगजैग ट्रेंड हो रहा है ना, तो हम उसको बोल सकते हैं कि जिगजैग ट्रेंड, लाइक इट शोड अ जिगजैग ट्रेंड, कि वो जिगजैग ट्रेंड शो कर रहा है। ठीक है, कि वो कुछ भी हो सकता है कि लाइक वो चिल्ड्रंस की रेशो है, मेल्स की रेशो है, या फिर रेशो है कि फास्ट फूड कितने लोग प्रेफर करते थे पहले या फिर कितने करेंगे। ओके, व्हाटएवर जो भी टास्क आपका होएगा उसको हम डिफरेंट डिफरेंट अप्रोप्रिएट मैनर में हमने लिखना है। अगर वो एग्जैक्ट, मैंने देखो साथ में डायग्राम भी शो की है, कभी अप कभी डाउन, लाइक जैसे वो बीपी वाली मशीन भी कभी लाइक जब अप एंड डाउन चलती है ना, तो एग्जैक्ट ट्रेंड बोलते हैं उसको। सेकंड, आप उसको वेरीड भी बोल सकते हो कि इट मे वेरीड, सॉरी मे नहीं आएगा, इट वेरीड। ओके, वेरीड कर रहा है ये स्टेप बाय स्टेप, कभी अप जा रहा था कभी डाउन जा रहा था। सो दीज काइंड ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, विच विल रियली बेनिफिशियल फॉर यू। एंड गाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने पीछे बताए हैं लाइक परसेंटेज एंड कनेक्टिविटी, इन सबको आप फिक्स कर लो कि कौन सी परसेंटेज को मैंने कहाँ पे कितने परसेंटेज और कैसे उसको अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर से करना है। बिकॉज अगर आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अच्छा होएगा, आपको अच्छे से लिखना आ रहा है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ के स्ट्रक्चर्स यूज़ करने आते हैं, लाइक जैसे वोकैबुलरी में मैं आपको बता देता हूँ कि अपने स्टार्टिंग में करना है इंट्रो, आप बोल दो कि द रेंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई चार्ट इन्यूमिरेट्स। ओके, कि जो दी गई है वो क्या शो कर रही है, गिवन है, रेंडर्ड मीन्स टू से गिवन, पाई चार्ट जो आपका चार्ट दे रखा है, इन्यूमिरेट मीन्स टू से शो, लाइक आपने उसको करना है, ओवरऑल को लिखना है, फ्रॉम द ओवरऑल एनालिसिस इट इज कॉन्सिपिशियस दैट इट इज लूसिड दैट इट इज विविड दैट, डिफरेंट डिफरेंट आप सीधा ही लिख देते हो कि ओवरव्यू है ना, नहीं ऐसे नहीं करना, फ्रॉम द ओवरऑल एनालिसिस इट इज लूसिड दैट इट इज कॉन्सिपिशियस दैट इट इज विविड दैट, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ के स्ट्रक्चर्स यूज़ करो कि एग्जामिनर को भी पता चल सके कि हाँ रियली आप में लाइक है अबिलिटी है कि कैसे आपने अच्छी अच्छी फ्रेजेज लगाई हैं और कैसे कैसे आपने। एंड वन मोर थिंग गाइज, आप जितने भी ज़्यादा लाइक 9 बैंड वाले टास्क 1 पढ़ सकते हो पढ़ो, क्योंकि क्या होता है कि 9 बैंड में से लाइक दोनों की वैल्यूएशन 9 बैंड में से होती है। सम बोलते हैं कि 6 में टास्क 1 होता है, 3 में होता है, लाइक जिसमें भी होता है उसकी एवरेज काउंट कर ली जाती है। सो मैं यही कहूँगा कि टास्क 1 में तो देखो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन होती है, सो टास्क 1 में हमारे पास ऑप्शन रहती है कि फुल बैंड लेने की, तो हम फुल ले सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ के स्ट्रक्चर्स एज वेल एज डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की सिनोनिम्स एंड सब कुछ यूज़ करके कनेक्टिविटी बना के उसको। ओके गाइस, नेक्स्ट है कि हमने उसको जो पीक्ड पे आ गया या फिर लोएस्ट, पीक्ड क्या होता है कि जो अगर हाईएस्ट पॉइंट आ गया तो उसको कैसे हमने डिस्क्राइब करना है। जब हमें कोई भी लोकेशन दे रखी है, लाइक मैंने बार ग्राफ शो किया है, वैसे मोस्टली पीक्ड वाली सिचुएशन जो लाइन ग्राफ में ज़्यादा सूटेबल रहती है, बार ग्राफ में भी हो जाती है अगर एक ही चीज़ का ट्रेंड दे रखा है। ठीक है, वो क्या हो रहा है कि कभी अप कभी डाउन था, बट एक स्पेसिफिक टाइम आने पे लाइक आप समझ लो कि 1950 में वो सबसे ज़्यादा था, तो आप उसको बोल सकते हो कि इट्स पीक, कि वो अपने पीक पे था। लाइक पीक के मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट साइनोनियम्स बताता हूँ। पीक को आप टॉप्ड लिख सकते हो, रीच्ड पीक लिख सकते हो, हिट हाई पॉइंट, लाइक जैसे मेल्स की कैटेगरी दे रखी है तो आप बता सकते हो कि द प्रपोर्शन ऑफ मेल्स या रेशो ऑफ मेल्स हिट अ हाई पॉइंट इन द ईयर 1950, या फिर जो भी आपको गिवन डाटा दे रखा है आप बता दो कि वो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हिट अ हाई पॉइंट था, टॉप्ड पे था, रीच द पीक था, टच द हाई पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की है। देखो मैंने गाइज ये यहाँ पे आपके लिए स्पेशल एक डायग्राम भी बना रखी है, सो आप इसको यूज़ कर सकते हो एज वेल कि कैसे हमने पीक को डिफरेंट डिफरेंट काइंड की कैटेगरीज को कैसे कैसे हैंडल करना है। सेम इन द केस ऑफ ऑपोजिट, इसके
कि लोएस्ट ट्रेंड आ जाता है कि कहीं बहुत ही ज़्यादा, लाइक मैंने ये डायग्राम में शो किया है कि देखो तीन मैंने ये बनाए हैं बार ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन, तीनों में क्या है, एक में पहले ज़्यादा था, फिर थोड़ा सा कम, फिर लास्ट पे बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। अगर आपको ऐसी वाली सिचुएशन लगती है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है, तो इसमें आप लोएस्ट वाला स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो, लाइक टच द लोएस्ट पॉइंट, किस्ट द बॉटम, बॉटम आउट, ओके बॉटम आउट, आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ के स्ट्रक्चर्स यूज़ करो। उससे क्या है कि एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आप में बहुत ही ज़्यादा डेप्थ नॉलेज है, आपको अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर्स यूज़ करने आते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी लेनी लानी आती है, और क्या होता है कि उसमें आपको पता है कि हाउ टू मेक अ कनेक्टिविटी एंड हाउ टू अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, हाउ टू यूज़ द अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर इन राइटिंग टास्क वन। गाइस मैंने जैसे एज आई मैंशन अर्लियर कि राइटिंग टास्क वन में क्या होता है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इसमें बैंड लूटने वाले होते हैं कि आप जितने मर्जी लूट सकते हो, क्योंकि क्या है जो टास्क टू है ना, टास्क टू में क्या रहता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ का आइडियाज़ इन्वेंट करने पड़ते हैं, लाइक उसको इन्वेंशन करनी पड़ती है कि क्या हो सकता है, क्या सूटेबल है, उसकी एग्जांपल पे कंसंट्रेट करना पड़ता है, फिर उसको अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर में, बट नॉट इन द केस ऑफ टास्क वन। ये एकेडमिक टास्क वन की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट द जनरल कैंडिडेट्स। एकेडमिक टास्क वन में क्या होता है कि हमारे पास सारा गिवन दिया होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ के टास्क वन होते हैं, मैप हो सकता है, इट शुड बी लाइक बार ग्राफ, पॉली लाइन ग्राफ, एट्सेट्रा, वट एवर इट इज़, कुछ भी हो सकता है। वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स को कैसे हमने टैकल करना है, उसकी क्या क्या परसेंटेज कैसे यूज़ करनी है, पीक पे है तो कैसे करना है, इंक्रीज में है तो कैसे करना है, डिक्रीज पे कैसे, लाइक आपको ना डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की लैंग्वेज यूज़ करके उसमें कॉम्प्लेक्सिटी लानी है कि कैसे कैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यूज़ किए टास्क वन में और कैसे कैसे वो बेनिफिशियल होएगा, वो आपको लाइक आपको पता चलेगा। स्टेप बाय स्टेप कर लो, एक दिन आप इंक्रीज के सिनोनियम यूज़ करने स्टार्ट करो, क्योंकि देखो कि अगर एक दिन में सारा करने की ट्राई करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे करो, कभी इंक्रीज का यूज़ कर लो, कभी डिक्रीज का, सो दैट कि आपके एग्ज़ाम से पहले आप उसमें परफेक्ट हो जाओ हर एक सिचुएशन में। लाइक परसेंटेज का बताया गाइज, आप ये नहीं मैं बोल रहा कि मैंने 15% टाइप्स की बताई तो आप 15 के 15 को मगअप करो या कुछ याद करो, नथिंग लाइक दैट, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। लाइक आप एक दो सेट कर लो कि एक 70% के आसपास, एक 50 वाला, एक 20 के आसपास, सो दैट कि आपका हो जाए। हाँ अगर बिल्कुल ही निगलेक्टेबल है कि 1% लाइक 5 से लेस देन है, तो आप उसको बोल सकते हो कि टिनी परपोशन, टिनी फ्रिक्शन, ओके। सो दीज काइंड ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर रियली बेनिफिशियल फॉर यू इन ऑर्डर टू अचीव योर डिजायर्ड बैंड स्कोर। सो ये वीडियो आज की एकेडमिक टास्क वन के लिए थी, जो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा फियर क्रिएट करते हैं, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स को लिखना तो ईजी लगता है, बट समटाइम्स ना टास्क टू लिख लिख के जब वन की टाइम आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परप्लेक्स हो जाते हैं, परप्लेक्स मीन्स टू से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उसको कैसे करना है। सो गाइज मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे उसको हैंडल करना है, एंड नेवर फॉरगेट टू यूज़ माई कोड ऑन अन अकेडमी, दैट इज़ NIKHILCHUCHRA। आप ये वाला कोड अप्लाई करोगे एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट फ्रॉम द अन अकेडमी। ओके गाइज बहुत सारे लेसन्स हैं, मेरे फ्री वाली क्लासेस भी हैं, यू कैन वॉच एज वेल दैट काइंड ऑफ द क्लासेस विच विल रियली बेनिफिशियल फॉर यू इन ऑर्डर टू अचीव योर डिजायर्ड बैंड स्कोर्स। एंड गाइज मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बताया है, आयल्स विद निखिल, IELTSWITHNIKHIL। आप उस पर उसको भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, आपको किसी भी तरह की क्वेरी है यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल लाइक मैं आपको सुजेस्ट करूँगा बेस्ट से बेस्ट, जो आपका बेस्ट होएगा। ओके गाइस एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम, अभी क्वारंटाइन चल रहा है तो उसको आराम से करो, बिल्कुल लाइक परप्लेक्स नहीं होना, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद है, तो उसको यूटिलाइज करो टाइम को इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग। सो दीज काइंड ऑफ द वीडियोज़ आर रियली हेल्पफुल फॉर यू, एंड गाइस इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, सो दैट जो आपके फ्रेंड्स हैं उनका भी बेनिफिट हो पाए। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।